अल्लू अर्जुन महेश बाबू से जूनियर इंडिया तक साउथ के एक्टर्स को हिंदी में कौन लोग देते हैं आवाज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं बड़ा सना आज आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड और साउथ की एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। बीते कुछ सालों से साउथ इंडियन फिल्मों को हिंदी दर्शकों का भी खूब प्यार मिल रहा है। बाहुबली से पुष्पा तक कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हिंदी पट्टी के दर्शकों ने खूब पसंद किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा साउथ इंडियन एक्टर्स को हिंदी में कौन डब करता है? एक नजर उन डबिंग आर्टिस्ट पर जो साउथ के एक्टर्स को अपनी आवाज दे चुके हैं। शरद कैलकर। मूवी बाहुबली को सिर्फ साउथ इंडियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्यार मिला था। हिंदी में रिलीज हुई बाहुबली में प्रभास के किरदार को शरद कैलकर ने अपनी आवाज दी थी। बता दें दर्शकों, शरद कैलकर एक बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट है और साउथ ही नहीं बल्कि कई हॉलीवुड फिल्मों के हिंदी डब में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। श्रेयस तलपरे। इन दिनों फिल्म पुष्पा दी राइज का जलवा हर तरफ देखने को मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस से सोशल मीडिया तक अल्लू अर्जुन ने धमाका किया है। बता दें कि श्रेयस ने पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन को अपनी आवाज दी है। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन के साथ ही साथ श्रेयस को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। संकेत महात्रे। संकेत महात्रे की गिनती भारत के बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट में होती है। साउथ के कई एक्टर्स को संकेत महात्रे अपनी आवाज दे चुके हैं। इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और जूनियर एनटीआर सहित कई अन्य शामिल है। याद दिला दे कि सूर्या की जय भीम में भी संकेत की ही आवाज थी। वहीं कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी संकेत डब कर चुके हैं। विनोद कुलकर्णी। साउथ के दिग्गज कॉमेडियन व एक्टर ब्रह्मानंद की तिगड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्हें देखकर ही दर्शकों की हंसी छूट जाती है और हिंदी डब फिल्मों में इस मुश्किल काम को विनोद कुलकर्णी ने किया है। रिबेल कंदीरीगा, दोसु केल्था, आर्य 2 और पावर जैसी कई फिल्मों में विनोद ब्रह्मानंद की आवाज बन चुके हैं। राजेश कावा। बता दें कि राजेश कावा साउथ की सुपरस्टार्स में शुमार। विजय और धनुष के लिए डबिंग कर चुके हैं। थंगा मगन, सुपर हीरो शंशा, सिंगम 2, लिंगा 1, तिरुमलाई सहित कई फिल्मों को अपनी आवाज दी है इन्होंने। बोल दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हम कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय।